लव सेक्स और धोखे की कहानी एक बार फिर धर्म की नगरी मथुरा में चर्चा का विषय बना हुआ है। आपको बता दें कि प्यार में धोखा खाने वाली युवती अब पुलिस के चक्कर लगा रही है और न्याय दिलाने की मांग कर रही है। आपको बता दें कि फिलहाल पुलिस के अधिकारियों ने इस मामले को संज्ञान लेते हुए इलाके की पुलिस को मामले की जांच करने का आदेश दिया है और पीड़ित लड़की को न्याय दिलाने का भरोसा दिया है। आपको बता दें कि एसएसपी कार्यालय के चक्कर लगा रही पीड़ित महिला मथुरा के थाना रिफाइनरी क्षेत्र के काशीराम कॉलोनी की निवासी है। पीड़िता का नाम आरती बताया जाता है। आपको बता दें कि पीड़िता ने पुलिस को बताया है कि राजीव भवन के डुंडा विभाग में काम करने वाले कोतवाली निवासी पवन वर्मा उनके साथ पिछले 8 साल से प्यार के बात करके संबंध बना रहे थे और उन लोगों ने कोर्ट मैरिज भी कर रखी थी। पवन ने भरोसा दिलाया था कि कुछ दिन बाद सब सही हो जाएगा और वह उसे सामाजिक रूप में अपने घर ले आएंगे, लेकिन पवन ने धोखा देते हुए अब दूसरी शादी 11 तारीख को करने जा रहा है। पीड़ित आरती ने पुलिस को कहा है कि वो अब चाहती है कि उसके साथ न्याय धोखा हुआ है उसके साथ न्याय हो, अब किसी लड़की के साथ ना हो और इस संबंध में उसे न्याय मिले। उधर इस मामले में एसएसपी सिटी ने महिला को न्याय दिलाने का भरोसा दिलाया। क्या घटना हुई है, क्यों आए आप एसएसपी ऑफिस के आज? पवन नाम का लड़का है जो मुझे 8 साल से धोखा दे रहा है। उसने मेरे से शादी भी की थी और बोलता रहा कि मैं, मेरी छोटी बहन की शादी हो जाएगी उसके बाद मैं तुम्हें घर ले जाऊंगा। फिर कभी अपने पापा का बहाना लगाता है कि मेरे पापा की तबीयत ख़राब है और अब मुझसे क्लियर मना कर दिया है कि मेरी 11 तारीख को शादी है और मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता हूँ। कौन है वो, क्या करता है? पवन वर्मा माहौली रोड पे रहता है, डूडा ऑफिस में काम करता है। उसके पापा का नाम महाराज सिंह है। किस तरह से शादी हुई थी, कैसे मुलाकात हुई आपकी उससे? वो मेरे घर आता था टिकट पे और इसी तरह उसने मुझसे कहा था कि हमें शादी कर लेनी चाहिए, तो मैंने भी बोल दिया हाँ ठीक है। और रजिस्ट्रार ऑफिस में उसने पहले मेरे से मंदिर वगैरह में शादी की थी, उसके बाद रजिस्ट्रार ऑफिस में की। उसके बाद किस तरह से फिर परिवार वालों के पास क्या उसने कहा, आप क्या कहता है? मैं उससे कहती हूँ तो यही बोलता है कि जब से बोलता रहा कि अभी मेरी छोटी बहन है उसकी शादी हो जाने दो, उसके बाद मैं घर में बात करके ले चलूँगा। अब उसने क्लियर मना कर दिया है। क्या चाहती हैं आप? उसकी शादी है 11 तारीख को, वो शादी रुकनी चाहिए और मुझे इंसाफ दिलाओ। अगर आपकी उसकी शादी नहीं रुक पाती है तो ऐसे में क्या करेंगे आप? अभी कप्तान साहब से बात हुई होगी आपकी, क्या कहा कप्तान साहब ने? अगर उसकी शादी नहीं रुकती है तो कप्तान साहब से मुलाकात हुई आपकी? हाँ हुई थी। क्या कहा कप्तान साहब ने? उन्होंने एक लड़की का आरोप लगाया है कि उसके साथ पहले शादी हुई थी अब दूसरी शादी कर रहा है, क्या मामला है? बुरा नहीं, लड़की जो पीड़िता है मुझसे मिली थी, उन्होंने कहा कि मेरा 8 साल से इससे संबंध है और इसने मुझे शादी के लिए कहा था और वही शादी से डिनाई कर रहा है। एक बार बीच में इनकी बातचीत भी हुई थी लेकिन उसके बाद भी डिनाई कर रहा है। मैंने इंस्पेक्टर कोतवाली को बता दिया है, दोनों पक्षों को बुलाइए और अगर इसका हल नहीं निकलता है तो लीगल एक्शन। कौन युवक है, वो क्या करता है, जानकारी? वो भी यहीं पर है, कोतवाली थाना क्षेत्र का ही है और मैंने इंस्पेक्टर कोतवाली को क्लियर कट बता दिया है, दोनों को बुला लिया। अगर 8 साल से साथ रह रहे हैं, अगर उसमें कोई बात आती है तो फिर उसके लिए लीगल एक्शन होगा। जानकारी उसके बारे में डिटेल इंस्पेक्टर को। मथुरा से सैयद जाहिद की रिपोर्ट।